बार जल्दबाजी में अपनी जेब में नोट डाल तो लेते हैं, उस वक्त बस यही गौर करते हैं कि नोट कटा फटा तो नहीं है, और हमारी इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं जाली नोट के खिलाड़ी। जी हाँ, जमशेदपुर के मार्केट में एक शख्स बड़े शातिर तरीके से शाम के वक्त जाली नोट चला रहा था। लॉकडाउन में हाथ में नौकरी नहीं थी, YouTube से नकली नोट बनाने का ज्ञान ले लिया और हूबहू जाली नोट भी बनाने लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में वो आ ही गया। धार, कहीं आपकी जेब में जाली नोट तो नहीं? नोट लेने से पहले रहे होशियार, धड़ल्ले से फैल रहा जाली नोट का जाल। लाखों रुपए के जाली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जमशेदपुर में धड़ल्ले से चल रहे जाली नोटों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। लाखों रुपए के जाली नोट के साथ एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500, 100 और 50 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। जाली नोट के साथ कई सर्टिफिकेट, स्कैनिंग मशीन, लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद की है। किसी बंदे ने आके 50 रुपया के लिए कुछ फल मांगा और 500 का करेंसी दिया, बाकी पैसा मांग रहा था। फल दुकानदार को थोड़ा सा लगा कि इसमें कुछ नोट में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत उनसे पूछने लगा कि कुछ डाउट हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो बाताबाती होने लगी, तो उसमें हम लोग को पुलिस के जवान का जो जा रहे थे उनको पता चला, तो जैसे ही जाके पूछताछ करने तो बगल में गए, तो जो अभियुक्त है उनके द्वारा वो जो करेंसी नोट है उसको तुरंत फाड़ के नीचे गिरा दिया, तो संदिग्ध और ज़्यादा हो गया। तो फिर उनको हम लोग थाना लेके आके पूछताछ किए। पूछताछ के उपरांत उनके जो अपना गुलाब बाग है फेज टू, उसी में घर में जाके अपने पुलिस टीम ने छापामारी की, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है बहुत सारा नकली करेंसी मिला है, 500 का, 100 का और 50 रुपया का। मानगो के गुलाब बाग स्थित घर पर असली पैसे को मशीन से स्कैन कर नकली नोट बनाने का काम करता था। YouTube पर देखकर उसने नकली नोट बनाना शुरू किया। पुलिस ने बताया है कि वो बड़ी होशियारी से शहर में नकली नोट की खेप खपा रहा था। इतना ही नहीं, नकली नोट के अलावा 40 सर्टिफिकेट बनाने का भी काम करता था आरोपी। स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से YouTube पर देख के बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपना उसको डिजाइनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाया और कौन पेपर में इसको प्रिंट आउट निकालना, आगे पीछे के सेट किया और बहुत अच्छी तरीके से इसको बना के, और ये जो इनके पास सीरियल नंबर मिल रहा है सब एक ही सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर अलग अलग नहीं है, तो प्रोफेशनल तरीके से नहीं है, सिर्फ एक को स्कैन करके उसमें उसी नंबर को बहुत सारा नोट बना के किसी एक दुकान में जुगसलाई में एक बार देते हैं, तो फिर दूसरा बार परसुड़ी में देते हैं, तीसरा बार मांगो में देते हैं, उस टाइप का इनको देने का था। और इनका टारगेट जैसे कि रात में हमेशा करते थे। इसके अलावा जो है काफ़ी सारा सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का किसी का नाम से, बहुत लोगों के नाम से जो है मार्क्स सर्टिफिकेट है, और किसी का जो है स्कूल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है, कॉलेज कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है, किसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाया गया है, इवन इंक्लूडिंग मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया गया है। नकली नोट को चलाने के लिए वो सब्जी बेचने वाले फुटपाती दुकानदारों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन इन्हीं लोगों में जागरूक शख्स के संदेह ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, साथ ही कई लोगों को इसका शिकार होने से बचा लिया है। जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत के लिए मनोज की रिपोर्ट। तो YouTube जरिया बना इस शख्स को कि कैसे नकली नोट बनाया जाए, और काफी अच्छे तरीके से ये नकली नोटों को मार्केट में निकाल भी रहा था। और ज्यादा जानकारी लिए जमशेदपुर से हमारे साथ सहयोगी मनोज बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, कैसे गिरफ्तारी हुई इस जालसाज की? देखिए राजदा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस ने एक काम किया है, एक काफी सराहनीय काम किया है। हालांकि इसमें एक और व्यक्ति है जो मतलब कि जो सब्जी विक्रेता है, उसका भी काम ये सराहनीय रहा है, क्योंकि जो जो व्यक्ति है वो उसी के पास पैसे को कोई कुछ सामान लिया था, और उसी उसी के आधार पर वहां पर जब पैसा दिया, तो सब्जी दुकानदार ने नोट को बोला कि जाली नोट है, तभी वहां से टाइगर मोबाइल गुजर रहा था वहां पर इस, और दुकानदार और जो पैसे करने गया था, भजाने गया था, वो वहाँ पर बगजक कर रहे थे, इसी वजह टाइगर मोबाइल आ गई और टाइगर मोबाइल मामला को देखा, तब जाकर उसको पकड़कर थाने ले गया। तो उससे पूछताछ के क्रम में एक खुलासा हुआ कि मानगो में गुलाब बाग कॉलोनी है जहाँ उसका घर है, वहाँ पर वो
नकली जो जाली नोट है वो बनाने का काम करता था। ये पिछले डेढ़ दो महीने से इस तरह का काम करते आ रहा था और करीब मतलब 40,000 रुपये से ज्यादा मतलब मार्केट में इसने पैसे को अपना जाली नोट को भंजा भी चुका था। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसने जो जाली नोट देता था वो सब्जी विक्रेता ठेले खुमचे वाले चाहे छोटे दुकानदार है उनके पास जाता था और अक्सर शाम को समय यही जाता था। शाम के पास समय जाकर क्योंकि उस समय भागदौड़ का समय रहता है उस समय समझ में भी नहीं आता पैसा रखता है लोग वो सामान दे देता है तो शाम को समय हर समय जाता था 500, 1,000, 100 रुपये सब कर लेके 50 रुपये के जाली नोट बनाकर और जाकर उससे वहां से सामान लेता था। और तब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा गरीब जो सब्जी विक्रेता है वो सबको ये शिकार बनाता था। और हालांकि एक सब्जी विक्रेता ने ही इसे व्यक्ति को जाली नोट के साथ देखा तब उसको बोला और टाइगर मोबाइल आ गई वहां पर। मनोज, ये जाली नोटों के अलावा सर्टिफिकेट नकली सर्टिफिकेट वगैरह भी ये बनाता था आरोपी? हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें मैरिज सर्टिफिकेट है हो गया आपका जो एजुकेशन का अलग अलग जो मैट्रिक हुआ चाहे अलग अलग एजुकेशन का भी ये सर्टिफिकेट बनाने का जाली काम करता था। और पिछले डेढ़ दो महीने से और कई जाली सर्टिफिकेट भी इनके इसके पास से मिला है तो उसके वो भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिर किसका जाली सर्टिफिकेट बना रहा था और कहाँ वो किस कहाँ वो जाता था ये जाली सर्टिफिकेट ये सब से जांच पुलिस हालांकि कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक खुलासा पुलिस ने किया है कि जाली नोट बनाता था। चलिए तो अच्छी बात ये रही कि पुलिस सतर्क रही और अब ये जालसाज पुलिस के गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो सावधान होने की जरूरत है, ऐसे कई शख्स जाहिर तौर पर जाली नोटों का जाली सर्टिफिकेट का काम करते हैं। अगर कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी गलती या कोई किसी भी तरह की चीज आपको लगे कि ये नकली है तो फौरन इसकी सूचना दें।